सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज जो है मैं आया हूँ KTM के शोरूम पे, एंड पीछे जो देख सकते हो KTM RC 125 जो कि नया मॉडल है, रिव्यू करेंगे, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ एक एक चेंजेस। सो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। बाकी यही 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। बाकी यही, चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और हाँ, गिव अवे का अपडेट भी काफ़ी जल्दी दे दूंगा। बाकी अभी ये वीडियो एंजॉय करो आप, बाकी चलिए वीडियो को। सो सबसे पहले आप लुक्स चेक करो, लुक्स जो है यार काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया गया। पहले से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, पहले भी अच्छा था लुक्स, पहले कोई कमी नहीं थी, बट अभी जो है ना लुक्स और बेटर बना दिया है कंपनी ने। स्टार्टिंग में अपने को पसंद नहीं आया था, लेकिन भाई जब रियल लाइफ में आप इस बाइक को देखते हो तो आपको जो लुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है, जो पूरी फेयरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है पहले से। सो गाइस, मेरे को तो लुक्स काफ़ी अच्छा लगा, बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से कि क्या कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी की को ऑन कर लेते हैं। की को जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो DRLs आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे DRLs आपको मिलती है दोनों तरफ, जो कि देखने में अच्छी लग रही है। यहाँ पे जो हैलोजन में आपको हेडलैम्प मिल जाता है जो कि येलो लाइट देगा। पहले प्रोजेक्टर्स मिलते थे आपको डबल, और प्रोजेक्टर्स की जो है पहले आई थिंक ज़्यादा बेटर ब्राइटनेस थी, बट देखते हैं ये कैसी ब्राइटनेस देगा, वो तो कभी नाइट रिव्यू करेंगे तब पता चलेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं जो कि पहले से अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेसिंग है ना ये काफ़ी अच्छी दी गई, दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं। और ये जो है अंदर एक डिज़ाइन सा दिया गया है जिसके ऊपर KTM वगैरह जो है लिखा हुआ है, तो उससे क्या थोड़ा लुक्स आ जाता है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। WP के जो आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं इसमें USD, इसमें जो है टेलीस्कोपिंग नहीं USD सस्पेंशन आपको मिलते हैं, अपसाइड डाउन फोर्स, सो वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। फ्रंट में जो है काफ़ी वाइड आपको टायर मिलता है एक 125cc बाइक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा, काफ़ी वाइड टायर मिल जाता है। MRF कंपनी का जो है टायर रखा गया है यहाँ पे, और डिस्क ब्रेक आप देख सकते हो पहले से ज़्यादा बड़ा जो है डिस्क ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। ABS आपको फ्रंट में मिलता है, रियर में भी मिलता है, तो वो तो आपको मिल ही जाते हैं। तो मतलब जो ड्यूअल चैनल ABS आपको मिलता है जो कि ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी देते हैं इस बाइक को। एंड यहाँ पे जो व्हील है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया है, और वेट भी थोड़ा सा कम हो गया पहले से, ताकि बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी आपको मिले। साइड में रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो चेंजेस किए हैं उनके बारे में आपको बता दूं, साइड फेयरिंग है, यहाँ पे ग्राफिक्स आप चेक कर सकते हो, RC 125 जो ग्राफिक्स में आपको देखने मिल जाए, KTM भी जो पूरा ग्राफिक्स में आपको देखने मिलता है, और कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा है, ये कलर मिल जाता है एक वो कलर, तो दोनों ही कलर जो अपने सामने है जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मेरे को ये बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में यार आपको कौन सा अच्छा लगता है दोनों में से। मेरा जो फेवरेट है ना, तो मेरे को ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस वाले कलर से, बाकी हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, तो वो आप जो है नीचे कमेंट बता सकते हो। भाई ये साइड में आओ तो इंजन जो है वही 125cc का मिलता है, जो कि पावर आपको ठीक ठाक दे देता है, एंड पिकअप वगैरह जो आपको अच्छा मिलता है 6 स्पीड का गेयरबॉक्स इसमें मिलता है। यहाँ पे आपको रियर पैडल्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे भी जो आपको फुट पैड्स वगैरह मिल जाते हैं, ये जो है ब्रेक आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्रेक का लीवर, और जो एग्जॉस्ट है वो अंडरबेली एग्जॉस्ट है, लाइक साइड में जो आपको नहीं मिलता ये जो है नीचे की तरफ मिलता है, तो ये एक अंडरबेली एग्जॉस्ट जो है बोल सकते हो, वो एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। साउंड जो आपको लास्ट में सुनाई दूंगा। पीछे भी जो आपको ABS मिल जाता है, डिस्क ब्रेक आपको पीछे भी मिल जाता है, देख सकते हो डिस्क ब्रेक की जो प्लेट यहाँ पे काफ़ी बड़ी दी गई है, और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग तो आपको मिलेगी ही। रियर में आपको 140 या फिर जो आई थिंक 150 सेक्शन का टायर मिलता है, मैं वो चेक करके बताता हूँ, 150 सेक्शन का टायर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे डाला है, मतलब साइज पूरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंपनी ने, तो 150 सेक्शन का टायर आपको पीछे मिलता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है यार, मतलब 125cc का इंजन और टायर्स इतने वाइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, KTM है, सब मैनेज कर लेता है। रियर की जो टेल लाइट है वो आप देख सकते हो सेम ही है पहले जैसी, बट थोड़ी सी स्मोकी टेल लाइट कर दी है, और देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। रियर में जो इंडिकेटर्स है वो आपको LED में मिल जाते हैं। एंड जो पीछे सीट दी है वो स्प्लिट सीट है पहले की तरह, बट अभी जो है ना रियर वाली सीट आपको थोड़ी मतलब ठीक ठाक मिल जाती है, कंफर्टेबल जो अच्छा मिल जाएगा, कंफर्ट जो पहले से अच्छा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट पहले तो रियर की सीट जो थी वो मतलब ना के बराबर थी, कोई कंफर्ट नाम की चीज़ नहीं थी। ग्रैबरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, स्प्लिट ग्रैबरियल्स मिलती है दोनों तरफ ही, तो पहले ये भी जो आपको नहीं मिलती थी, अब जो है कंफर्ट आपको मिल जाएगा, पीछे वाला बंदा जो इजीली इनको पकड़ के जो है राइड कर सकता है, गिरने का डर नहीं होगा उसको। यहाँ पे जो साड़ी गार्ड वगैरह आपको देखने मिल जाते हैं, टायर अगर वगैरह आपको मिल जाएगा, तो ये सब जो आपको देखने मिल जाता है। अभी जो टैंक है वो आपको ड्यूअल टोन में मिलता है, लाइक यहाँ पे व्हाइट एंड ऑरेंज, एंड यहाँ पे जो आपको पूरा ब्लैक में मिलता है, लेकिन ये पियानो ब्लैक है, ये जो है थोड़ा मैट टाइप से दे दिया है, तो ये जो है कुछ कलर कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। अभी जो है कंसोल पे आता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ बाइक में बताने के लिए है नहीं, तो डायरेक्ट अभी कंसोल पे आ गया मैं। इससे पहले चाबी चेक करूँ, आपको जो है यहाँ पे एक वेव की मिलती है, जो कि KTM की हर बाइक में देखने मिलती है। जो कंसोल है वो पूरा अपना नया दे दिया गया है, फीचर्स जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी बड़ी दे दी है पहले से, वाइट लाइट जो आपको इसमें मिलती है बैकलाइट, पहले जो है ऑरेंज मिलती थी। यहाँ पे जो आपको किल स्विच का जो है ऑन करना पड़ेगा सबसे पहले बटन, उसके बाद सारे फीचर्स दिखेंगे। यहाँ पे गियर इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, यहाँ पे ऑडोमीटर आपको दिखेगा, यहाँ पे साइड स्टैंड फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है, यहाँ पे स्पीड शो करेगा, यहाँ पे जो है पेट्रोल आपको शो करता है, यहाँ पे जो पूरा RPM मीटर शो करेगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग शो करता है कि क्या कुछ जो है टाइमिंग अभी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का शो कर देगा, जैसे इंडिकेटर ऑन है तो वो यहाँ पे शो कर देगा, ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह आपको शो कर देता है। RPM लाइट यहाँ पे मिलती है, जो बटन्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो पहले थे, ये पासिंग का लाइट मतलब है, आपको बटन मिल जाता है फ्रंट में, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, एंड हॉर्न आपको सुना देता हूँ,
सिंगल ओवर मिलता है, ड्यूअल ओवर नहीं मिलता है हमें। इग्निशन का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे जो है आपको स्टार्ट का बटन मतलब सेल्फ का बटन सुनाऊंगा साउंड आपको। उससे पहले जो आपको फीचर्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो दो बटन्स आपको मिल जाते हैं, दोनों बटन से जो है क्या कुछ फीचर मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये जो है थोड़े ना प्रेस भी नहीं हो रहे यार काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है फ्यूल रेंज आपको मिल जाएगी, कितने किलोमीटर रोड चलेगी वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको रोड वगैरह जो है मोड वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे और भी आपको फीचर्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पे ट्रिप टाइम वगैरह जो है सब कुछ आप कर सकते हो। एवरेज स्पीड यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जो एवरेज फ्यूल वगैरह जो है शो करता है कि क्या कुछ जो है माइलेज वगैरह दे रहा है, तो वो यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे फ्यूल लेंस टोटल शो कर देता है। तो सारे फीचर्स जो आपको मिल जाएंगे, पहले भी मिलते थे, कोई नए नहीं, मतलब पहले भी सारे फीचर्स तो मिलते ही थे। तो चलिए भी लास्ट में साउंड आपको सुना देता हूँ। तो इसे सेल्फ मारा, वन टच में जो बाइक स्टार्ट हो गई है। तो ये साउंड आपने सुनी, पहले जैसी है, कोई चेंजमेंट नहीं है उसमें, क्योंकि पहले भी अंडर वैली एग्जॉस्ट था, अभी भी अंडर वैली एग्जॉस्ट है, तो साउंड तो सिमिलर ही है पहले जैसी ही। और जो साइड मिरर्स है वो और भी बड़े इसमें दे दिए हैं, तो भाई ये तो इसको प्रीमियम बनाते ही है। तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, भी काफ़ी बड़े बड़े मिरर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, इस साइड में भी, इस साइड में भी। नॉर्मल बाइक्स में जो अपने को इतने बड़े मिरर्स नहीं मिलते, बट इसमें जो है काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिलेगा पीछे का यदि आप इसको राइड करते हो। तो WP के जो है सस्पेंशन आपको मिलते हैं फ्रंट में, देख सकते हो। रियर में तो जो है मोनोशो के मिलते हैं, तो वो तो सिमिलर है, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं इसलिए। और यहाँ पे आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, इंजन सेम है, चेसिस वगैरह सब कुछ सेम है वो भी। और ये अपना सस्पेंशन रहा रियर का, ये जो है मोनोशो सस्पेंशन आपको मिल जाता है पीछे में। और जो टायर प्रेशर वगैरह वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सब कुछ जो यहाँ पे देख के तभी फिल कराना। सो भाई ये तो कुछ आज की वीडियो में, जो प्राइसिंग वगैरह है इसकी वो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पे जो है देख सकते हो, ये जो इसके एक्सशोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस भी जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। बाकी ये तो कुछ आज की वीडियो में, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।